नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट चुगा टिक के एक फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो का अंदर मैं आप लोगों को BSNL 4G के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, BSNL 4G को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट हमारे सामने निकल के आया है, जिसके बारे में आज का इस वीडियो का अंदर मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, BSNL का सिक्योरिटी ऑफिसर PK पवार की तरफ से यहाँ पर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया गया है, जहाँ पर गवर्नमेंट से यहाँ पर अप्रूवल लेने के लिए यहाँ पर बातचीत जो यहाँ पर किया है। तो अगर गवर्नमेंट से यहाँ पर अप्रूवल मिल जाता है तो यहाँ पर BSNL का कहना है कि BSNL ऑल ओवर इंडिया सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मंथ के अंदर यहाँ पर 4G लॉन्च कर देंगे ऑल ओवर इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, अगर गवर्नमेंट को यहाँ पर अप्रूवल मिल जाते हैं गवर्नमेंट से BSNL को कि 4G लॉन्च करने के लिए, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलने के 3 से 4 महीने के अंदर ही BSNL उनका ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो 4G सर्विस है वो यहाँ पर लॉन्च कर देंगे। तो क्या कुछ चीज़ यहाँ पर होने जा रहे हैं BSNL के अंदर और किस अप्रूवल का बात यहाँ पर BSNL करना चाहते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट यहाँ पर क्या सच में अप्रूवल देंगे कि नहीं, इसके बारे में आज का इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको जानना है तो आज का वीडियो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, BSNL का 4G सर्विस, दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि BSNL आप लोगों को 4G सर्विस देने के लिए 2018 साल से यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन दोस्तों 2018 साल में यहाँ पर BSNL उनका 4G सर्विस को लॉन्च नहीं कर पाया, क्योंकि तब गवर्नमेंट ने उनको यहाँ पर अप्रूवल नहीं दिया था। तो फाइनली गवर्नमेंट का तरफ से यहाँ पर BSNL का अप्रूवल जो है पर मिल चुका है उनका 4G सर्विस को देने के लिए, और यहाँ पर अभी BSNL को 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए BSNL को कुछ रिवेबल पैकेज भी जो है पर मिल चुका है। तो अभी BSNL उनका 4G सर्विस को यहाँ पर अभी लॉन्च करने जा रहा है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पर BSNL ने कहा था कि उनका BSNL का जो 4G सर्विस यहाँ पर लॉन्च करेगा वो आपको BSNL का हाइब्रिड 4G सर्विस देखने को मिलेगा, जहाँ पर 75,000 जो टावर होगा BSNL का वो होगा यहाँ पर मेड इन इंडिया बेस्ड कंपनी के साथ यहाँ पर काम करने वाला है, और मेड इन इंडिया 4G सर्विस आपको मिलेगा। और जो 57,000 जो यहाँ पर टावर यहाँ पर BSNL यहाँ पर अपग्रेड करेगा वो करेगा मेनली फॉरेन बेस्ड कंपनी के साथ। तो दोस्तों, BSNL के अंदर अभी ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे ऐसे जगह के अंदर यहाँ पर टावर उनका अवेलेबल है जो कि अभी 3G सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, उनका अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर 4G सर्विस के अंदर यहाँ पर अपग्रेड करना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो 3G सर्विस अभी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उसमें से कुछ टावर नोकिया का है और कुछ टावर ZTE का है। तो दोस्तों, यहाँ पर नोकिया के साथ यहाँ पर काम करने के लिए BSNL का यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, BSNL इजीली यहाँ पर काम करेंगे और नोकिया को यहाँ पर जो यहाँ पर टेंडर है 4G का ये भी दे देंगे, और BSNL का 4G टेंडर नोकिया को मिल जाएगा और नोकिया यहाँ पर 4G सर्विस को इजीली यहाँ पर दे पाएंगे आप लोगों को। लेकिन दोस्तों, जो ZTE के साथ यहाँ पर कुछ मसला चल रहा है, जहाँ पर आप लोगों को पता है कि अभी ZTE जो एक चाइनीज कंपनी, जैसे चाइनीज कंपनी है ZTE हो गया, Huawei हो गया, ये सारे कंपनी जो है पहले यहाँ पर इंडिया के अंदर काम करते थे जैसे मॉड्यूम वगैरह यहाँ पर लगाने के लिए, ये सारे जो कंपनी थे बहुत ही ज़्यादा चीप रेट के अंदर, बहुत ही ज़्यादा सस्ता रेट के अंदर यहाँ पर टावर वगैरह यहाँ पर अपग्रेड कर देते थे। तो इसलिए सब कंपनी पहले नोकिया को छोड़ के ये जो यहाँ पर ZTE और Huawei जैसे कंपनी जो कि चाइनीज ब्रांड था इनके साथ मिलकर यहाँ पर काम करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा जो इन्वेस्ट है वो यहाँ पर कम करना पड़ता था और यहाँ पर काम जो यहाँ पर चल जाता था। तो इसलिए यहाँ पर सारे कंपनी यहाँ पर पहले जो यहाँ पर ZTE और यहाँ पर जो Huawei जैसे कंपनी के साथ सारे कंपनी के साथ यहाँ पर मिलकर यहाँ पर टावर का अपग्रेडेशन जो काम है वहाँ पर प्रोवाइड करता था और सर्विस भी जो यहाँ पर देता था। लेकिन दोस्तों, अभी आप लोगों को पता है कि अभी हमारा जो भारत सरकार है वो आत्मनिर्भर भारत का यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी सारे चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइनीज कंपनी है, सारे प्रोडक्ट को यहाँ पर बैन कर दिया। तो यहाँ पर जो ZTE है, ZTE को भी यहाँ पर इंडिया के अंदर यहाँ पर बैन कर दिया गया। तो दोस्तों, अभी एक BSNL का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि अभी भी बहुत सारे जगह के अंदर यहाँ पर टावर लगा हुआ है जो कि अभी भी 3G सर्विस प्रोवाइड करते हैं BSNL के अंदर, वो ZTE के जो ZTE कंपनी है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर टावर अपग्रेड करने के लिए भी यहाँ पर अभी ZTE का यहाँ पर मॉड्यूम लगाना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूम भी एक ऐसा चीज़ होता है टावर के अंदर कि जो कंपनी लगाता है वही कंपनी यहाँ पर लगा सकता है, अदरवाइज यहाँ पर न्यू टावर लगाना पड़ेगा, दूसरा कंपनी आके यहाँ पर अपग्रेड नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर नोकिया के साथ और यहाँ पर ZTE के साथ दोनों कंपनी के साथ यहाँ पर BSNL पहले काम करता था, तो नोकिया के साथ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नोकिया अभी भी काम करेगा जैसे काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टावर का अपग्रेड यहाँ पर कर लेंगे BSNL उनका 4G टावर अपग्रेडेशन जो काम यहाँ पर नोकिया को दे देंगे, तो नोकिया इजीली यहाँ पर 4G का यहाँ पर आप लोगों को सर्विस यहाँ पर दे पाएंगे 4G सर्विस। लेकिन दोस्तों, जो अभी ZTE के अंदर ये प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ गया कि अभी ZTE को तो यहाँ पर इंडिया के अंदर यहाँ पर बैन कर दिया, तो जो यहाँ पर जो BSNL का जो सिक्योरिटी ऑफिसर है जो कि PK पवार है, उनको उन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट से यहाँ पर अप्रूवल मांगने के लिए यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर जो ZTE है ZTE को यहाँ पर अप्रूवल यहाँ पर दीजिए, क्योंकि अगर ZTE को यहाँ पर अप्रूवल नहीं दिया जाता है 4G सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ पर हमारे जो 4G सर्विस है वो यहाँ पर हम लोग लॉन्च नहीं कर पाएंगे ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि हमारा भी बहुत सारे जो टावर है वो यहाँ पर ZTE कंपनियों से हम लोग मिलकर यहाँ पर जो यहाँ पर सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। अभी भी 3G सर्विस यहाँ पर बहुत सारे जगह करना है, यहाँ पर ZTE के साथ यहाँ पर मिलकर यहाँ पर BSNL प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो अभी मसला जो यहाँ पर हो रहा है BSNL के अंदर, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो यहाँ पर BSNL का है जो ZTE का जो यहाँ पर सर्विस यहाँ पर BSNL इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर परमिशन देंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी गवर्नमेंट जो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहा है, जो भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर हो रहा है सब कुछ मेड इन इंडिया अभी सब कुछ काम चल रहा है, तो इस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर ZTE को जो यहाँ पर कभी भी यहाँ पर परमिशन शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ZTE एक चाइनीज़ कंपनी है और गवर्नमेंट अभी चाहता है कि एक भी चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडिया के अंदर यूज़ ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट हो सकते हैं यहाँ पर नोकिया का तो यहाँ पर परमिशन दे दे, नोकिया यहाँ पर सर्विस के यहाँ पर प्रोवाइड कर पाए, लेकिन जो यहाँ पर ZTE कंपनी है वो यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर सर्विस ना दे पाए, और हो सकता है कि BSNL को किसी दूसरे कंपनी से यहाँ पर मिल के यहाँ पर पूरी सर्विस के यहाँ पर लॉन्च करना पड़े। तो दोस्तों इस तरीके से अभी यहाँ पर बातचीत जहाँ पर चल रही है BSNL 4G को लेकर, जहाँ पर BSNL का ऑफिसर लोग जहाँ पर गवर्नमेंट से यहाँ पर ऐसे इस तरीके से यहाँ पर बोले हैं कि गवर्नमेंट से कि यहाँ पर उनको यहाँ पर जो अप्रूवल है वो यहाँ पर दे दिया जाए, तो देखते हैं यहाँ पर आने वाले दिन के अंदर क्या होगा। ऐसे भी यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर नोकिया के साथ यहाँ पर मिलके जो BSNL है उनका 4G सर्विस केरला साइकिल के अंदर यहाँ पर अभी ऑलरेडी यहाँ पर लॉन्च कर दिया और ऑलरेडी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर ZTE का जो सर्विस है अगर यहाँ पर और यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिलता है तो यहाँ पर ZTE का सर्विस अभी बंद कर दिया जाएगा और उसके जगह पर नोकिया के साथ यहाँ पर मिलकर BSNL काम करेगा और BSNL आपको 4G सर्विस दे देगा। दोस्तों BSNL का कहना है कि अभी आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपको ऑल ओवर इंडिया 4G सर्विस देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ जो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर हाइब्रिड 4G का जो काम है BSNL जो कर रहा है, जो कि यहाँ पर 75,000 टावर यहाँ पर मेड इन इंडिया बेस्ड कंपनी के साथ होने वाला है, तो इसका भी अनाउंसमेंट अभी बहुत ही जल्दी होने वाला है, जहाँ पर टाटा या फिर यहाँ पर तेजस नेटवर्क ये सारे नेटवर्क के साथ यहाँ पर मिलकर BSNL 4G सर्विस आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर आने वाले दिन के अंदर यहाँ पर क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ पर कोई भी अप्रूवल यहाँ पर BSNL को नहीं दिया गया कि ZTE के साथ मिलकर यहाँ पर काम किया करेंगे क्या फिर नहीं। अगर कोई इस तरीके का लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हमारे चैनल के अंदर आपको नेक्स्ट अपडेट आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर BSNL के अंदर जो यहाँ पर 4G के अंदर यहाँ पर बातचीत जहाँ पर चल रहा था, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो से कुछ जानकारी मिला तो वीडियो को एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों और रिलेटिव को साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जैसे कि आपका एक शेयर से उनका भी हेल्प हो पाए, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में गए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लेना, इसी तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और टेक और टेलीकॉम का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो के कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताना।